हमारा बच्चा छूट जाएगा भैया, हमारा बच्चा। अब ये देख लो भाई लोग किस तरह से लटके हैं, मतलब जोर से खेलो, जोर से चल चल भाई। ये देखो अरे भाई भाई ऑक्सीजन की कमी हो गई। रुक जाओ भाई, मार काट मत देना यार एक दूसरे को। इधर आना भाई। अरे भाई गिर जाएगा यार नीचे। अरे आराम से चलो भाई, गिर जाओगे यार। उठाओ बच्चे को, उठाओ बच्चे को। अरे चढ़ाओ जल्दी यार। अरे गुड आफ्टरनून, तो स्वागत है आप सभी का एक और नई खूबसूरत यात्रा के साथ। सबसे पहले आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज डेट है 23 मार्च और अभी मैं हूं अपने होम टाउन कठुआ में। जी हां दोस्तों, आज हम आपको होली की भीड़भाड़ दिखाएंगे, कैसे लोग जिंदगी और मौत से लड़के सफ़र करते हैं ट्रेनों में, वो सब दिखाएंगे आपको। और आज की जो हमारी ट्रेन होने वाली है वो बेगमपुरा सुपरफास्ट एक्सप्रेस होने वाली है, जो कि काफ़ी जानवानी ट्रेन है जम्मू तवी और बनारस के बीच में चलने के लिए। बाकी आती होगी यहाँ पे, एक घंटा लेट हो गई है पहले ही। अब देखते हैं आगे उसकी क्या स्टेटस रहता है, कितनी ज़्यादा लेट होती है, कितनी भीड़भाड़ होती है, कैसे लोग ज़िंदगी और मौत से लड़के सफ़र करते हैं, ठीक है। तो जैसे ट्रेन आती है आपको दिखाते हैं अराइवल। देखिए यहाँ पे पुलिस वाले सतर्क हो गए हैं भीड़भाड़ को देख के। 4 बजने को लगभग 10 मिनट कम है और 50 मिनट की देरी के साथ हमारी बेगमपुरा एक्सप्रेस अराइव कर रही है अपने पहले ऑफिशियल हॉल्ट पे, जो अपना कठुआ। और देखिए भाई पुराने ICF रैक्स के साथ चलती हुई अपनी बेगमपुरा, जिसका हालत बहुत ही ख़राब है भाई। जनरल का देखो, बहुत ही सिचुएशन ख़राब है भाई। अभी पीछे देखना आप, क्या इसमें हड़कंप मचेगा, मतलब एकदम भीड़ भाड़ वाली ट्रेन है भाई ये। बहुत ही ज़्यादा डिमांडेबल ट्रेन है, आर्मी वाले अपने जो भी भाई हैं वो इसमें जाते ही जाते हैं भाई। तो आप सोच लो भाई कितनी ज़्यादा डिमांडेबल ट्रेन अपनी बेगमपुरा। अब ये देख लो भाई लोग किस तरह से लटके हैं, मतलब बैग कहाँ पे बांधे हैं लोगों ने, ये देखो अंदर स्पेस ही नहीं है भाई, क्यों है ना, जगह ही नहीं है अंदर सामान रखने के लिए। देखो और देखो अब लोग कैसे भाग रहे हैं भाई, जो पीछे के पीछे जितने भी यात्री हैं कैसे भाग भाग के अब चढ़ेंगे देखना। देखिए लगेज वैन भी देख लो भाई, लगेज वैन भी इसका भरा हुआ है भाई देखो। और भी ये बंदा देखो कितना मजबूर है बेचारा। तो दोस्तों देखिए, निकल चुकी है अपनी ट्रेन 50 मिनट की देरी के साथ कठुआ से। और भाई इतने सारे यात्री रह गए हैं ना भाई, देखिए ये सारे के सारे जो आपको यात्री मिल रहे हैं प्लेटफॉर्म पे, ये भाई ट्रेन में ही नहीं चढ़ पाए, इतनी ज़्यादा भीड़ है भाई अपनी बेगमपुरा सुपरफास्ट एक्सप्रेस में। देखिए इतनी ज़्यादा भीड़ है भाई, क्या बताऊँ मैं आपको। बाकी चलो टाइमिंग की बात कर लेते हैं इस ट्रेन की। तो ये जो ट्रेन है ना, ये हर दिन दोपहर को 2 बजे जम्मू तवी से निकलती है और दूसरे दिन भाई आपको 12:30 पे बनारस पहुंचाती है भाई। और ये देखो पुलिस वाले डंडों से कैसे आगे पीछे कर रहे हैं भाई सामान को देखो। और निकल गई अपनी ट्रेन भाई कठुआ से, देखिए और कहाँ पे खड़े हैं भाई, देखो कैसे यात्रा कर रहे हैं। जैसे जैसे ये ट्रेन आगे जाती जाएगी ना, वैसे वैसे आपको पता चल जाएगा कि इस ट्रेन की क्या हालत होने वाली है। अच्छा तो ये जो डिस्टेंस रहता है ये 1260 किलोमीटर का रहता है भाई, 22 घंटे और कुछ मिनट लेती है ये ट्रेन कवर करने के लिए। चलिए अभी आपको दिखाते हैं भाई जम्मू और पंजाब को डिवाइड करने वाली एक प्रमुख नदी, जो कि आगे जाके पाकिस्तान में जाती है भाई। एंड ये जो नदी है ये अपनी रावी नदी, और इस नदी के ऊपर एक मतलब बांध भी बना हुआ है, एक डैम भी बना हुआ है, जो है अपना रंजीत सागर डैम। और ये देखिए ये है भाई अपनी रावी नदी, काफ़ी बड़ी नदी है ये। एंड यहाँ से लगभग 20-25 किलोमीटर नीचे जाके ये पाकिस्तान में घुस जाती है भाई, मतलब ये बॉर्डरी कह सकते हो आप। देखिए इस साइड आ गया हमारा जम्मू कश्मीर और इस साइड आ गया हमारा पंजाब। एंड देखो भाई यहाँ पे इस तरह से बैठे हैं भाई ये अपने भाई। ये कहाँ जा रहे हो आप भाई? जा रहे हैं गोरखपुर, कल पहुँचेंगे सुबह भाई, हालत ख़राब हो जाएगी भाई आगे जाके, बहुत भीड़ हो जाएगी। होली मनाने जा रहे हो? सब भाई होली मनाने ही जा रहे हैं इस ट्रेन से। एंड हम भी भाई आज दूर तक ही जाएंगे भाई,
देखो काफी अच्छा लग रहा है, अभी तो इतनी भीड़ नहीं है अभी, लेकिन पंजाब और जलंधर में आपको पता चलेगा कि कितनी भीड़ चढ़ेगी भाई, पूरी ट्रेन पैक होने वाली है भाई। लो भाई पहुंचने वाली अपनी ट्रेन पठानकोट में, और पठानकोट में भी भाई देखो लोग कैसे प्रतीक्षा कर रहे हैं भाई ट्रेन की। देखिए काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है भाई पठानकोट कैंट पे। देखिए दोस्तों 98 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है हमारी ट्रेन है जम्मू तवी से, और पहुंच चुके हैं अपने दूसरे ऑफिशियल हॉल्ट पे जो अपना पठानकोट कैंट, और ये अपना पठानकोट है ये अपना पंजाब में पड़ता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अभी हम पंजाब में आ गए हैं, और भाई पठानकोट में देखिए लड़ाई लग गई भाई यात्रियों के बीच में। देखिए झंडे लेके डंडे लेके देखो चढ़ रहे हैं लोग, और ये चढ़ने नहीं दे रहे हैं भाई। चलो अरे धक्का दो भाई, चढ़ा चढ़ा ड्रम वो देखो, घुसा घुसा भाई, उठा उठा ये उठाओ उठाओ, जल्दी चढ़ाओ ट्रेन चलने वाली है। अरे चढ़ाओ जल्दी यार, अरे चल यार चल भाई। देखो ये ड्रामा देखो, इधर सामान देखो कितना है इनके पास। ओ चलो 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 भाई चलो, अरे भाई आराम से चढ़ो यार। ओ देखो चल 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 चल, ये देखो इतने सारे यात्री रह भी गए भाई। अभी देखो देखो चढ़ाओ ना इसको, चल चल चल, अरे चढ़ाओ भाई ट्रेन चलने वाली है यार। सामान वाले डब्बे में ही घुस गए भाई यात्री, देखिए ये निकाल रहे हैं भाई। अभी देखिए खोलो खोलो यार, उतार दिया सभी को देखो, फिर से भाई घुस गए यात्री देखो, अरे गिर जाएंगे भाई नीचे। ओए अरे आराम से चलो भाई, गिर जाओगे यार। ओए देखो भाई कैसे चढ़ रहा है वो देखो। सो भाई हुआ क्या, जो गार्ड था ना ट्रेन का उसने सारे यात्रियों को नीचे उतारा भाई, और जैसे ही ट्रेन चली भाई जितने यात्री नीचे उतारे थे ना सारे के सारे चढ़ गए भाई। अब देखना अगले स्टेशन में इनका क्या हालत करेगा भाई, जो चढ़े हैं ना लगेज में भाई एक ही बार से उनका देखना। दिमाग खराब हो गया भाई, भाई का दिमाग ही खराब हो गया। कितनी भीड़ है भाई, बहुत भीड़ है यार, आओगे फिर से? नहीं यार दिन वाली में नहीं आना साला, रात वाली में आएंगे, रात वाली में। और भाई देखो कैसे शूज कैसे कुछ कुछ मतलब चीजें टांगी हुई हैं भाई। देखो तो फाइनली निकल गई अपनी ट्रेन भाई पठानकोट से, देखिए
अभी अपनी ट्रेन पहुंचे मुकेरियां में, और मुकेरियां में देखिए कितना अच्छा काम किया जा रहा है भाई, पानी पिलाया जा रहा है यहाँ के लोकल्स द्वारा। देखिए ये बहुत अच्छी बात लगी, एंड मुकेरियां पे काफ़ी ज़्यादा खाली हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा भर भी चुकी है भाई ट्रेन। देखो इधर कचपच 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 किस तरह से हो रहा है भाई, देखो पूरी ट्रेन में है ना कचपच ही हो रहा है भाई। देखो भाई लोग अपने जूते वगैरह कहाँ टांगे हुए हैं भाई, देखिए परेशान हो गए भाई सारे के सारे अपने भाई। ये काफ़ी लंबी दूरी तय करने वाले यात्री हैं, 20-20 घंटे ये ऐसे ही भाई खड़े रहने वाले हैं होली के चलते भाई। होली के चक्कर में टिकट नहीं मिलती है भाई, इसलिए ऐसे खड़े होके जाते हैं अपने भाई लोग भाई। लो भाई मुकेरियां निकल गए, अब सीधा आपको जलंधर में मिलते हैं, इससे जो अगला स्टॉप आने वाला है। अरे धक्का भाई मारो मत यार, गिर जाएगी दीदी। नहीं बाबू जाने मेरे भाई। ओ जलंधर, ये देखो भाई जलंधर में भीड़। भाई उतरने दो यार, अरे उतरने दो भाई, उतर जाओ उतर जाओ भाई, उतरने दो यार, उतर जाओ सर, उतर उतर। हो हो, अरे आराम से आओ भाई, आराम से भाई, देखो भीड़ है, आराम से आओ यार। वो देखो ये क्या कर रहे हैं भाई, ये देखो वो भाई बैग ही बंदे का ले लिया यार। देखो ये है भाई जलंधर का हाल, देखो जलंधर का हाल है भाई, इतनी ज्यादा भीड़ है भाई। अब ये भाई कैसे घुसाएंगे भाई, यहाँ बंदे घुस गए यार, देख सकते हो सर यहाँ पर कैसे कैसे बंदे घुसाएंगे वही है ना। अब भाई भाई कैसे घुसाएंगे अंदर यार, अरे ठेलो भाई ठेलो इनको, अरे ठेलो यार, और ठेलो अरे ठेलो 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 भाई, अरे ठेलो यार, चलो भाई। अरे ठेलो भाई, ए नहीं जानते भाई, गार्ड ने फिर से निकाल दिए भाई, जितने भी लोग गुस्से थे ना वो निकाल दिए भाई, और ये ठेलने पे आगे नहीं जा रहे भाई, इधर से ठेलना पड़ेगा। चलो चलो ओ पाजी, चलो यार जल्दी, ओ बोर आगे कर, आगे भेज यार। देखो पूरा भर गया भाई को, कैसे खाना ये देखो। अरे बच्चा जाने दो यार, बच्चा ओए बच्चा जाने दो पहले यार, छोटा बच्चा है यार। ये देखो ये बच्चे भाई इतनी दूर जा रहे हैं यार, उठाओ बच्चे को, उठाओ बच्चे को, अरे बच्चे को उठाओ भाई, आगे बढ़ाओ भाई। टीटियों का दबदबा, टीटी किस तरह से टिकट काट रहे हैं, जो लोग स्लीपर में घुस रहे हैं ना उनकी टीटी देखिए किस तरह से टिकट काट रहे हैं। जा रहे कहाँ जा रहा है, स्लीपर में स्लीपर में जा रहे, डिश टीवी भी लेके जा रहे हैं भाई, ये डिश भी लेके जाओगे। तो 212 किलोमीटर का डिस्टेंस हमारी बेगमपुरा ने कवर कर लिया भाई, और पहुंच चुके हैं अपने चौथे ऑफिशियल हॉल्ट पे, जो अपना जलंधर कैंट जंक्शन JRC का स्टेशन कोड था, और 5 मिनट का हॉल्ट था। भाई देखो अपने ये देखो, ये इतना बड़ा बैग लेके, अरे भागो भाई भागो, ओ भाई ओ देखो, अरे आगे हो जाए, वो देखो बैग की क्या अरे गए क्या यार, ऑर्डर रह गया वो देखो, पिज्जे का ऑर्डर था, बंदा अभी भाग रहा है पिज्जा देने के लिए। ठेलो इनको ठेलो, अरे अंदर ठेलो यार, अरे ठेलो भाई इनको, चढ़ जाओ चढ़ जाओ, ऊपरी चढ़ जाओ भाई, ऊपरी चढ़ जाओ ना यार, चलो चलो जल्दी चलो जल्दी। अरे मेरा यार ये बांधो, अरे ठेलो भाई।
अरे मार दिया यार भाई, क्या हाल है? क्या हाल है आपका? अरे बुरा हाल है। फिर से आओगे जनरल में? भाई कसम से बंदे के ऊपर भाई एक देखो भाई कैसे बैठा है। अरे भाई गिर जाएगा यार नीचे। भाई ऑक्सीजन की कमी हो गई। पब्लिसिटी ना कर भाई। हाँ भाई पब्लिसिटी ना कर। लैपटॉप है आपका 50,000 का? तो भाई देख लो यार चोरी वोरी ना हो जाए यार। निकालेगा टूट वूट ना जाए भाई, ये देख लो यार। बांध तो दिया एक बार। 50,000 का लैपटॉप लेके भाई जनरल में रिस्क ले रहा है। अरे यार मैं स्लीपर में था उधर से, मैं दोस्तों के साथ जाता हूँ ना कॉलेज वालों के। इधर मेरा ये दोस्त रहता भाई, इसने इधर उड़ा दिया, यहाँ से फंस गया ना। तो अब फंस गया तो जाना तो पड़ेगा ना। ओ भाई 50,000 का लैपटॉप यार, रिस्क मत लिया करो भाई। ये नहीं बताना चाहिए था कि लैपटॉप है? कोई नहीं, ऐसे तो नहीं निकाल लिया इतना बड़ा। वो देखना, हाँ वो कंधे पे रख लेना बैग। आगे भाई सतलुज नदी। दीदी मर जाएंगे, मत आओगे। ये तो कर लेंगे जगह, हम तो नहीं बनेंगे जगह। रास्ता बंद है। ए दीदी मांगने की बड़ी है इधर, जान में जान नहीं है और इनको मांगने की बड़ी है। क्या भाई लुधियाना आ गया, लुधियाना लुधियाना आ गया बूढ़ा नाला। अरे लड़ो मत भाई, लड़ो मत यार भाई, भाई छोड़ दे यार, समझा कर भाई। लड़ो मत यार आगे, झगड़ा मत करो यार। प्रेम जयपाल कहते कहते कोई बोले तो फालतू, तब तो मैं बोलूंगी किसी से कुछ ना। इन्हें भैया वो कहते भाई मुरादाबाद से पंगा मत लेना, भाई मुरादाबाद वालों से पंगा मत लेना। अरे हेलो मुरादाबाद वालों से पंगा मत लेना भाई, बोलो ना, बोलो मुरादाबाद वालों से पंगा मत लेना भाई। हाँ ठंडा करोगे इसको? ओ भाई लुधियाना में भीड़ देखो, ए नीचे आ गए लोग। अरे भाई लुधियाना में भीड़ तो देखो यार। अरे भाई रुक जाओ यार, देखो भीड़, वो बड़ी भीड़ है भाई। अरे देखो भाई भीड़। अरे भाई रुक जाओ यार, अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ भाई रुक जाओ यार। अरे ये देखो भाई, अरे रुक जाओ भाई रुक जाओ, अरे रुक जाओ भाई, मार काट मत देना यार एक दूसरे को। अरे रुक जाओ भाई, अरे भाई उतरने दो, उतरने दो भाई।
भाई ये तो मौत है यार। देखो भाई भीड़, हे परमात्मा देखो भीड़, देखो भाई भीड़, ये मार ही देंगे अब एक दूसरे को, ना यहाँ पे इमरजेंसी है ना कुछ है भाई। ओ भाई ठेलो, बुरी हालत है यार, ठेलो लख लगा, अरे ठेलो यार ठेलो। देखो भाई पुलिस वाला भीड़ छुड़वाने के बजाय वीडियो बना रहा है, देखो वाह भाई वाह। चलो चलो, अरे आराम से आराम से, अरे चल 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 भाई, अरे ठेलो, अरे ठेलो, मारो धक्का, हाँ हाँ मारो मारो जोर से, जोर से ठेलो, जोर से, अरे जोर से ठेलो भाई, अरे चल एक साल लगाओ सारे, अरे भाई एक साल लगाओ यार, अरे एक साल लगाओ धक्का, एक साल, अरे एक साल लगाओ लगाओ ना यार, कर क्या रहे हो, अरे जोर से लगाओ धक्का यार। भाई अपना सामान रखो ना, अब भैया सामान घुसाओ, पहले सामान घुसाओ, हेलो घुसाओ घुसाओ सामान, हेलो सामान घुसाओ, चलो दो धक्का दो भैया मिलके, दो सारे दो सारे यार, क्या देख रहे हो धक्का दो, ठेलो ठेलो ठेलो, अंकल ठेल रहे जोर से, ठेलो ठेलो ठेलो, अंकल ठेलो, अरे जोर से ठेलो यार, जोर से, हाँ हाँ ओ लगाओ, ओ लगाओ जोर, ओ लगाओ जोर, अंदर तो जाने को नहीं रास्ता मिलेगा, यहाँ से चल के गाड़ी अंबाले ही रुकेगी, फिर आ जाओ नीचे। अरे लड़ो मत भाई, अरे लड़ो मत यार, तो मैं इस ट्रेन से आगे कैसे जाऊं भाई, इस ट्रेन से आगे किस तरह जाना है मुझे समझ, इस ट्रेन से आगे किस तरह जाना है समझ नहीं आ रही, देखो देखो किस तरह से जा रहे हैं, अरे नीचे उतर जाओ भाई, मर जाओगे यार, अरे नीचे उतर जाओ यार, ये देखो ये देखो, अरे भाई नीचे उतर जाओ यार, अरे मर जाएंगे यार, वो देखो वो देखो, ओहो हो भागो, वो चल गई ट्रेन यार, अरे भागो भाई, सर रुकवा दो, सर रुकवा दो ट्रेन सर। किस तरह से लोग लटक के गए भाई इस ट्रेन से, देखिए ऐसा सफर भाई किसी को ना करवाए भगवान। तो दोस्तों माफ करना यार, मैंने सोचा था आगे जाने को, लेकिन मैं तो हिम्मत ही हार गया भाई, इतनी भीड़ है, मतलब लोग लटक लटक के भाई सफर कर रहे हैं यार, मेरी तो एकदम हालत ही भाई खराब हो गई, अब जान से थोड़ी खेल के भाई सफर करना है। पीछे से मैं सफर करते हुए आ रहा था लुधियाना से भाई, मुझे पता है एक टांग पे खड़े होके आया हूँ, बाकी देख लो अभी भी लुधियाना में कितनी भयंकर भीड़ है भाई। तो करते हैं इस ब्लॉग को यही पेंड, अभी होली का सीजन है तो भाई मतलब आप भी सफर करने को सोचो ही मत भाई ऐसी ट्रेनों में। बाकी आपको ये सफ़र कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, बाकी लाइक कर देना वीडियो को, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है भाई इस सफ़र को करने के लिए, क्योंकि भाई जान जिंदगी और मौत का सफ़र था भाई ये सच में यार, लिटरल यार। तो मिलेंगे आपको एक और नई खूबसूरत यात्रा के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय।